भारतीय इतिहास का अप्रतिम महान योद्धा 20 वर्ष की उम्र में बना था और 40 वर्ष की उम्र में मर गया था। लगातार युद्धों 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 के अंदर रहने वाला बंदा था। आगे मल्लेच्छ रहते हैं, गाय का मांस खाने वाले लोग रहते हैं, ऐसा देश आ जाता है और ऐसे देश में नहीं जाना, धर्म भ्रष्ट होता है हमारा। भारत की जनता मुगलों को विदेशी समझती। हार्दिक पंड्या के आपके लक्षण लगते नहीं कभी, वो वेस्ट इंडीज टाइप वाला सा नहीं लगता। मैं एक बात फिर याद दिलाना चाहूंगा आपको कि फर्रुख शेर के टाइम में दो समझौते हुए हैं। इस पर भले ही फर्रुख शेर के साइन नहीं हुए थे, रफी दर्जात ने साइन किए थे बाद में, पर समझौता फर्रुख शेर के टाइम में हो गया था। फर्रुख शेर के टाइम दो समझौते हुए, एक अंग्रेजों के साथ समझौता, एक मराठों के साथ समझौता है। अंग्रेजों वाले समझौते को ओम्स कहता है, वो कंपनी का मैग्ना कार्टा है। मराठों वाले समझौते को रिचर्ड टेम्पल कहते हैं, ये मराठों का मैग्ना कार्टा है। शक्तियां मुगल बादशाह से एक बार कंपनी की तरफ जा रही है, शक्तियां मुगल बादशाह से एक बार मराठों की तरफ जा रही है। और जब भी ये पावर ट्रांसफर होती है, शक्तियां एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हुआ यह था कि ब्रिटेन के अंदर राजा ने अपने सामंतों को शक्तियां सौंपी थी, तो राजा से जब सामंतों के पास में शक्तियां गई थी, राजा जॉन के टाइम में सामंतों ने शक्तियां मांगी थी, और शक्तियां जब राजा से सामंतों के पास में गई, वो जो लेटर था जिस पर वो साइन किया गया था, उस लेटर का नाम मैग्ना कार्टा था। इसलिए उस दिन के बाद जब भी शक्तियों का इस प्रकार ट्रांसफर किसी दूसरी पावर के पास में होता है तो उसको मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। यहां शक्तियां मुगलों से मराठों को मिल रही है, देख लो सारी की सारी शक्तियां उनकी है। तो ये बात भाई, जब बालाजी विश्वनाथ दिल्ली गए थे ना, तब बालाजी विश्वनाथ को पता चला कि मुगल साम्राज्य कितना भरभरा रहा है, मुगल साम्राज्य कितना टूट चुका है। ये तब उनको पता चल गया था वहां पर कि अब कुछ ही नहीं बचा मुगल साम्राज्य के अंदर। ये तमाम चीजें उनको समझ में आ गई थी, पर 1720 में उनकी डेथ हो जाती है। अब बालाजी विश्वनाथ इतने शक्तिशाली हो गए थे कि साहू की चलनी बंद हो गई थी, बालाजी विश्वनाथ की चलती थी। इसलिए बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला पेशवा कौन बने, इस पे सोचने की आवश्यकता नहीं थी। कि पहले तो राजा बनाता था कि पेशवा कौन बनेगा, अब पेशवा ने कहा मेरा बेटा बनेगा, तो उनका बेटा पेशवा बन गया। बाजीराव फर्स्ट 20 वर्ष की उम्र में बना था और 40 वर्ष की उम्र में मर गया था। लगातार युद्धों 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 के अंदर रहने वाला बंदा था। खूब सारी उपाधियां हम इसके, आप एक बार देख, अब सुनो, देखो शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना करके गए थे, पेशवाओं के राज्य में मराठा साम्राज्य वापस शक्तिशाली होने लगता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बेलखने मुगल बादशाह आ गए थे, बाजीराव जब पेशवा बनता है तो बाजीराव साहू को कहता है, साहू छत्रपति है, बाजीराव पेशवा, बाजीराव साहू को कहता है कि अब समय आ गया है जब इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें। एग्जैक्टली टर्म सुनना आप, इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दे, मतलब तब तक भी भारत की जनता मुगलों को विदेशी समझती थी। बाजीराव का स्टेटमेंट है कि अब समय आ गया है जब इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाला जाए। अब यह एक खोखला पेड़ है कि मुगल साम्राज्य क्या हो गया, खोखला। अब यह एक खोखला पेड़ है जिसकी जड़ें गल चुकी है, क्यों ना हम इसके तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो खुद ब खुद गिर जाएगी तथा हम मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। सुनना मेरा डायलॉग कि अब समय आ गया है कि इन विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें। अब यह एक खोखला पेड़ है जिसकी जड़ें गल चुकी है, क्यों ना हम इसके तने पर प्रहार करें, बीचों बीच मारते हैं, शाखाएं खुद ब खुद गिर जाएगी तथा हम मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। वी विल होस्ट मराठा फ्लीग फ्रॉम अटक टू कटक, उड़ीसा में ठेठ कटक, पाकिस्तान में ठेठ अटक, अटक से कटक तक मराठों का झंडा फहराएंगे। तो कोई पूछेगी अटक से कटक तक की नीति किसने दी थी, तो बाजीराव प्रथम यह नीति देता है। साहू मुस्कुराकर वापस कहते हैं, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, अनडाउटली यू आर ए नोबल सन ऑफ ए वर्दी फादर, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मराठों का झंडा हिमालय के पार गाड़ दोगे। अटक तो ये पड़ा साहब पाकिस्तान में, सिंधु नदी सबसे पहले जहां मैदानों में प्रवेश करती है उस जगह का नाम अटक है। सिंधु नदी सबसे पहले अटक के अंदर ही प्रवेश करती है, अटक वहां पर एक नदी और है जो सिंधु में आके मिलती है, जगह का नाम है, एक नदी का नाम अटक, तो वहां तक हम मराठों का झंडा ले जाएंगे। मुझे एक चीज बताने, देखो बड़ी गजब सी चीज बताता हूं, एक ये कह रहा है कि मराठों का झंडा अटक से कटक, उल्टा उसने कटक तो कहा भी नहीं था, उसने कहा था कृष्णा नदी से अटक।
ये तो बाद में हमने थोड़ा जोड़ ही लिया इसको अटक से कटक, पर इधर ये अटक नाम लेता है, उधर कृष्णा नदी अटक, ठीक है वो बाउंड्री वही लगती थी, अटक से कटक भी कहते हैं इस डायलॉग को और इस रूप में पूछा जाता है, पर एग्जैक्टली लाइन है कि हम कृष्णा नदी से अटक के बीच मराठों का झंडा काट, पर उधर वाली जगह का नाम ये अटक लेता है। मैंने कई बैचेज के अंदर ये कभी बात बताई भी होगी, जिनमें नहीं बताई मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि पाकिस्तान में एक जगह का नाम है अटक। संभवतः भारतीय ये मानते थे कि भारत की सीमा अटक तक है, अटक के बाद मल्लेच्छों का राज शुरू हो जाता है, अटक के बाद भारत की बाउंड्री नहीं है, इसलिए हम भारत की सीमा को अटक तक ही समझते थे, अटक के आगे हम भारत की सीमा नहीं समझते थे। मैं दो चार और एग्जांपल देता हूं, देखो आपको चौहानों में एक राजा हुआ विग्रह चतुर्थ, चौहानों का एक राजा है विग्रह चतुर्थ जिसने आपकी दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था। ज्यादातर लोगों क्लास में मेरा बताया हुआ होगा, किसी क्लास में नहीं बताया हुआ तो आगे आ जाएगा कहीं पे, शायद बी एट वालों को नहीं बताया हुआ, बाकी ज्यादातर क्लासों के अंदर मेरा बताया हुआ है, बी एट वालों सुन लेना भाई। विग्रह चतुर्थ पृथ्वीराज चौहान का ताऊ था, शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा के अंदर दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाता है। इस दिल्ली शिवालिक स्तंभ में विग्रह चतुर्थ कहता है कि मैंने मराठों को मैंने तुर्कों को अटक के पार भगा दिया है। विग्रह चतुर्थ का स्टेटमेंट है, सुनना, 1135 के आसपास का, 1353 के आसपास का, 1153 के आसपास का स्टेटमेंट है कि मैंने मराठों को अटक, सॉरी मैं फिर मराठी बोल रहा हूं, मैंने तुर्कों को अटक नदी के पार भगा दिया है। विग्रह चतुर्थ चौहानों का राजा है, पृथ्वीराज चौहान का ताऊ है, 1153 के आसपास बोलता है, मैंने तुर्कों को अटक नदी के पार भगा दिया है तथा मैं मेरे उत्तराधिकारियों को कहना चाहूंगा कि वो मराठों तुर्कों को अटक नदी के पार ही रखे, वो तुर्कों को अटक नदी क्रॉस नहीं करने दे। मैंने तुर्कों को अटक के पार भगाया है तथा मेरे उत्तराधिकारी भी तुर्कों को अटक नदी क्रॉस ना करने दे। इसका मतलब वो मानता है कि भारत की बाउंड्री अटक तक है, अटक के इधर नहीं आने चाहिए, तुर्क उधर उधर रहे कोई बात नहीं। मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं आपको, अकबर से बूंदी का एक राजा संधि करता है, उस बूंदी के राजा का नाम था सुरजन। के आसपास में और सुरजन अकबर के साथ संधि करता है। जब संधि की गई तो संधि में होता था भाई, अकबर जहां हम आपस में दोस्त हैं, अकबर जहां लड़ने के लिए कहेगा आपको जाना पड़ेगा, मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। सुरजन संधि में एक लाइन लिखवाता है कि मैं लड़ने के लिए तुम जहां कहोगे वहां चला जाऊंगा, पर अटक क्रॉस नहीं करूंगा, मैं अटक नदी के आगे नहीं जाऊंगा। इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं अटक में अटक रहा है वो आदमी, उसके दिमाग में कि नहीं यार भारत भूमि यहां तक है, आगे वाला नहीं है अपना, इसलिए यहां यहां लड़ लूंगा बाकी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे विदेशों में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? तो आगे मल्लेच्छ रहते हैं, गाय का मांस खाने वाले लोग रहते हैं, ऐसा देश आ जाता है, और ऐसे देश में नहीं जाना, धर्म भ्रष्ट होता है हमारा। अब और बताता हूं, बीकानेर में एक राजा हुआ कर्ण सिंह, बीकानेर में कर्ण सिंह नाम का राजा होता है, और कर्ण सिंह तथा उस समय जयपुर का राजा हुआ करता था मिर्जा राजा जय सिंह, इन सब लोगों को, बीकानेर के राजा को, जयपुर के राजा को, राजस्थान के लगभग सारे राजाओं को औरंगजेब एक बार अटक नदी तक ले जाता है, कर लड़ाई करने के लिए चलेंगे, अटक नदी तक ले जाता है। औरंगजेब के भी दिमाग में कहीं ना कहीं बात थी कि हिंदू ऐसा मानते हैं कि यदि हमने अटक नदी क्रॉस कर ली तो उसके बाद हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और उसको लगा कि और अपने एक लफड़ा और था, यदि किसी का धर्म भ्रष्ट हो गया तो वापस हिंदू नहीं बनाएंगे, फिर उसको दूसरे धर्म में जाना ही पड़ेगा, दूसरा फिर इस्लाम ही बसता था। उसे लगा कि यार क्यों ना इन राजाओं को मैं अटक क्रॉस करवा के इनका धर्म भ्रष्ट करा दूं, ब्राह्मण इनको वापस हिंदू धर्म में लेंगे नहीं, सारे के सारे इस्लाम के अंदर आएंगे, भारत में पूरे में वैसे इस्लामीकरण हो जाएगा। औरंगजेब चाहता था कि यार इस्लाम का झंडा फहरे, ये सिंपल सा तरीका बचता है इसके माध्यम से। कहते हैं औरंगजेब सारे राजाओं को, और राजस्थान वाले राजा पावरफुल थे उन दिनों के अंदर, राजस्थान के राजाओं को वो अटक नदी के पास ले जाता है, और उसने ले जाके कहा कि कल अपने अटक क्रॉस करेंगे। राजा फंस गए,
राजाओं को लगाया अटक क्रॉस करते धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अटक क्रॉस तो नहीं करेंगे अपने, पर अब बादशाह को मना कौन करे, कैसे करें। तो पहले दिन तो एक प्लान किया और मिर्जा राजा जयसिंह ने बादशाह को जाके कहा कि बादशाह आप कल अटक क्रॉस कर लेना, हम परसों करेंगे। क्यों भाई तुम पीछे क्यों आओगे? कहा वो मेरे पोता हुआ है इसलिए कल हम पार्टी करेंगे। औरंगजेब ने कहा ठीक है कल तुम पार्टी कर लेना, कल हम अटक क्रॉस करके ईरान की तरफ आगे चले जाएंगे और परसों तुम आ जाना। कहा ठीक। अगले दिन उन्होंने अटक क्रॉस कर ली और नावे वापस भेजी कि साहब अब नावे वापस जाओ, अटक नदी पड़ती है, अटक नदी में नावे वापस आई और अब जो हिंदू राजा बैठे उनको उधर से लेके आओ। कहा अब क्या किया जाए? तो कहते कर्ण सिंह बीकानेर वाला आगे बढ़ता है और कर्ण सिंह आगे बढ़कर वो जितनी भी नावे आई थी इनको वापस लेने के लिए राजाओं को नावों को तोड़ देता है। और उसने कहा मैं बादशाह का कोई हुक्म नहीं मानता, हम अटक क्रॉस नहीं करेंगे, नावे तोड़ दी जाए। और कर्ण सिंह का जब जोश आया, कर्ण सिंह ने जब नावे तोड़ी तो बाकी राजा भी पड़े राजस्थान वाले, उन्होंने सबने नावे तोड़ के बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी, औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर देते हैं अटक नदी के किनारे। और उन सब राजाओं ने उस दिन वहां पर कहा कि हम औरंगजेब को नहीं बादशाह मानते, हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, हमारा बादशाह कर्ण सिंह है। और आसमान लगातार गुंजायमान हो रहा था जय जंगलधर बादशाह, जय जंगलधर बादशाह। उस अटक नदी के किनारे बीकानेर के राजा को वो जय जंगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी। बीकानेर वाले इलाके को जंगल बोला करते थे, तो हमारा राजा जंगल का बादशाह है, हम औरंगजेब को बादशाह नहीं मानते, जंगल वाला हमारा बादशाह है। और कर्ण सिंह के सम्मान में नारे लगा जा रहे थे जय जंगलधर बादशाह। उसके बाद में बीकानेर के तमाम राजा इस टाइटल को अडॉप्ट किया करते थे और अपने बीकानेर के राज चिन्ह में उन्होंने नीचे लिखवाया था जय जंगलधर बादशाह। मतलब कर्ण सिंह के टाइम में भी ये घटना लगभग 1667 के आसपास की आपकी, उस टाइम में भी ये राजा अटक के पास में तो जाके अटक रहे हैं कहीं ना कहीं। अब आपका बाजीराव कह रहा है कि मराठों का झंडा अटक से कृष्णा तक फहरा देंगे, अटक से कटक तक फहरा देंगे, कुछ भी कहिए, पर वहां तक की बाउंड्री तो अटक बना रहा है ना। तो भारत की वैज्ञानिक सीमा यदि कहीं तक लगती थी उधर तो अटक, अटक के बाद वाले को आगे हम कहते थे ये हमारा नहीं है, ये दूसरे देश शुरू हो जाते हैं, पर अटक तक तो हमारा है। अब देखिए किसी कालखंड में चार अलग अलग बात, 1153 के आसपास विग्रह चतुर्थ अपने दिल्ली शिवालिक स्तंभ में कहते हैं मैंने तुर्कों को हराकर अटक पार भगा दिया है, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी उनको अटक से इधर नहीं आने दे। सुरजन 1569 में अकबर के साथ संधि करते हुए कहता है कि मैं अटक क्रॉस नहीं करूंगा और कुछ भी करवा लेना। बीकानेर महाराजा करण सिंह के नेतृत्व में राजस्थान के तमाम राजा औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर अटक नदी क्रॉस करने से मना कर देते हैं। उस दिन करण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि मिली थी। अब मराठों का लड़ाकू पेशवा बाजीराव बल्लाल कहता है कि मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा दिया जाएगा। अब यह तो हिस्टोरिकल फैक्ट बताए, गजब की बात बताऊं, पिछले लॉकडाउन के अंदर मैं जब थोड़ा फ्री बैठा था, क्लासें इतनी नहीं हुआ करती थी, वीडियो देख रहा था, एक दिन एक शोएब अख्तर का वीडियो मेरे सामने आया। शोएब अख्तर संन्यास लेने के बाद में एक पत्रकार से बात कर रहा है, एक महिला पत्रकार है, और वो शोएब अख्तर से पूछती है कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। शोएब अख्तर कहता है इन दिनों मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, किसी राइटर का नाम लेते हैं, किसी फारसी राइटर का नाम लेता है कि वो मैं बुक पढ़ रहा हूँ। वो पत्रकार वापस पूछती है कि इस बुक में क्या? उसने कहा क्या बात करते हो, उस बुक के बारे में नहीं पता, उस बुक में भविष्यवाणियां है, आगे की बातें बताई हुई है और खूब पुरानी बुक है। वो पत्रकार वापस पूछती है कि हैं क्या भविष्यवाणियां उसमें? और अकबर कहता है उसमें, शोएब अख्तर कहता है उसमें सब है, तो उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि बाबर किस प्रकार हिंदुस्तान को जीत लेगा, उसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी हुमायूं को किस प्रकार भारत से बाहर निकाल देगा। उसने कहा ये पहले उस टाइम लिख दिया था कि हां उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार पाकिस्तान बनेगा, उसमें तो यह भी लिखा हुआ है कि 65 के युद्ध में हम कैसे जीतेंगे, और पाकिस्तान आज भी मानता है कि 1965 में पाकिस्तान जीता था, भारत नहीं जीता था, तो 65 की जंग का भी पूरा वर्णन है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक दिन हम कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे और कश्मीर पे कब्जा करने के बाद पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। आमीन। पत्रकार कहते बड़ी रोचक जानकारी है, गजवा हिंद का पूरा जिक्र है इसमें। शोएब अख्तर कहता हां, और उसने कहा एक बड़ी और रोचक बात है, लिखा है कि जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया जाएगा तो अटक नदी के पास दो बार युद्ध होंगे। आप फिर बात पे ध्यान दीजिए, अटक नदी के पास दो बार युद्ध होंगे, मतलब उनका भी कोई राइटर यही मान रहा था कि अटक के आगे हिंदुस्तान शुरू होता है, अटक के इधर हिंदुस्तान नहीं है। इसलिए मित्रों जब तक अटक हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है।
जिस दिन अटक हमारा हिस्सा बन जाएगा उस दिन वास्तव में भारत का सपना साकार होगा। तब हम विघराज चतुर्थ, जांगलधर बादशाह कर्ण सिंह और मराठा पेशवा बाजीराव बल्लाल को श्रद्धांजलि दे पाएंगे कि केवल उनके सपने नहीं थे कि अटक से कटक तक भारत होगा, होना चाहिए। बिना सिंध के हिंद नहीं है। जब तक सिंध ना मिले तब तक हिंद की परिकल्पना पूरी हो ही नहीं पाती अपने आप के अंदर। तो याद रखना भाई, अटक से कटक तक का डायलॉग कौन देके गया था मराठा पेशवाओं में से? तो उस मराठा पेशवा का नाम था बाजीराव, बाजीराव बल्लाल, ये सब बातें कर रहा था। अब सुनिए बाजीराव के बारे में और थोड़ी बातें सुनते। इधर सतारा के अंदर बैठे हुए आपके साहू महाराज, साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, बाजीराव प्रथम उनके पेशवा के रूप में काम कर रहा है। उधर कोल्हापुर के अंदर बैठा संभाजी सेकंड। महाराष्ट्र में एक और शक्ति उभर रही है, हैदराबाद। 1724 में निजामुल मुल्क अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। मैंने बताया था आपको, चिंकलीज खान का दो या निजामुल मुल्क का दो, आसब जा सब इसी के नाम है, चिंकलीज खान या निजाम। और इसको लगा कि यार मराठे दो भागों में विभाजित है, मजा आ गया। शक्तिशाली कौन है इनमें से? शक्तिशाली तो इनके अंदर ये है बाजीराव वाले, ये जो साहू वाले हैं, और ये डेली हैदराबाद पे जाके अटैक करते हैदराबाद वालों को, कहते पैसे लाओ। इसको लगा अपने दूसरे वाली पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मराठों में फूट डलवाते हैं, दोनों को कमजोर कर देते हैं, फिर किसी को चौथ नहीं देंगे। इसलिए निजाम ने संभाजी सेकंड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। संभाजी सेकंड तो खुद ही चाहता था मैं सतारा पे कब्जा कर लूं। बाजीराव को जब इस बात का पता चलता है, बाजीराव हैदराबाद पे अटैक करता है, पालखेड़ा का युद्ध, बाजीराव जीत जाता है। यदि बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी है तो इस संधि को आपने देखा होगा। एक राजा है जो एक ऊंचे से सिंहासन पर बैठा है, अपने दोनों साइड में शेर बांध रखे हैं उसने, और उसके सामने गिरफ्तार करके बाजीराव को सामने लाके बिठाते हैं। और राजा कहता है कि पेशवा बाजीराव तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशवा एकदम आराम से कूल चिल होके बोलता है कि निजाम गिरफ्तार मैं नहीं हूं, गिरफ्तार तुम हो। ये जो चारों तरफ आदमी दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हारे नहीं मेरे हैं। और निजाम को लगता है कि यार मराठे बंदूक ले लेके तैयार खड़े थे कि घेर लिया इन्होंने तो। और उसके बाद निजाम जब फंस गया तो निजाम को बाकायदा संधि करनी पड़ी। वहां पर जो वो संधि हो रही है वो मुंगी शिवगांव की संधि है। हालांकि इस मूवी में तो बाजीराव को बेचारे को बहुत ही घटिया सा दिखाया हुआ है, और बाजीराव जो है वो संधि करते थे वहां पर डायलॉग और फर्जी फर्जी से डायलॉग दिए हुए। बाजीराव वहां बोल रहे हैदराबाद के राजा को बोलते थे निजाम, तो बाजीराव के मुंह से वहां डायलॉग बुलवाए कि फलों के राजा को कहते हैं आम, दक्षिण भारत के राजा को कहते हैं निजाम। मुझे लगा यार संजय लीला बंसाली ऐसे कैसे कर सकता है यार तू, मराठों के पेशवा के सबसे बड़े सरदार से इतने चालू बाजारू टाइप के डायलॉग कैसे बुलवा सकता है? आम आम निजाम निजाम, ये कोई डायलॉग है संधि में बोले जाने वाले? थोड़े ढंग की बातें करते हुए दिखाते यार, सेंसिबल दिखाते बाजीराव को, दिखाते कि विजेता किस प्रकार का बिहेव करता है। मजा किया, जोकर बना के रख दिया। और यदि राजा अपनी संधियों में इस प्रकार की बातचीत करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड, फिर तो यार एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिखता है तो वैसे भी लिखता होगा, शीशी भरी गुलाब की इन पत्थर से फोड़ दूं, तुम्हारे खत का जवाब नहीं आया तो खाना पीना छोड़ दूं, ये भी कहलवाई देते यार थोड़ा बहुत। अब फर्जीवाड़ा दिखाते हैं बॉलीवुड वाले। अब बाजीराव क्रूर टाइप का आदमी था, कहते बाजीराव से या तो लोग डरते थे या बाजीराव से नफरत करते थे। कोई प्यार करने वाली वैसी बाजीराव में फीलिंग ही नहीं थी। उसके बच्चे तक नहीं बोलते थे यार बाजीराव से, हंसता ही नहीं था, कभी किसी ने बाजीराव को हंसते भी नहीं देखा था। उस मूवी में बापड़े बाजीराव से ढोल पिटवाए हैं, ढोल बेइज्जती करके रख दी बाजीराव की। बाजीराव यदि ऊपर से आ सकता ना तो आगे संजय लीला बंसाली को उल्टा लटका के बास्ते बाड़ता नीचे। और सुनो उस मूवी में एक और सीन है बहुत अच्छा सा, जब आप देखते हैं कि बाजीराव अपने कैंप के अंदर बैठा हुआ है, एक मंत्री को बुलाता है, सेनापति को बुलाता है, और सेनापति को बुलाकर कहता है कि सेना को कहो कि सतारा की तरफ कूच करेंगे और छत्रपति से मिलेंगे। छत्रपति कहां रहते थे? सतारा। तो सतारा की तरफ कूच करेंगे। सेनापति वापस जाता है कि जो आज्ञा पेशवा श्रीमंत बाजीराव। इतने में जिस कैंप में बाजीराव बैठा हुआ है, कैंप के पर्दे फाड़ती हुई
सुंदर युवती वहां पर उपस्थित होती है, मस्तानी, और वो कहती है कि बाजीराव, पेशवा बाजीराव, मैं ओरछा के राजा छत्रपाल छत्रसाल बुंदेला की पुत्री हूं। ओरछा के राजा छत्रसाल बुंदेला, बुंदेलखंड का एक राज्य ओरछा, जहां पर छत्रसाल बुंदेला उन दिनों में राज कर रहे थे, और मेरे पिता पर मुहम्मद खान बंगस ने आक्रमण कर दिया। फर्रुखाबाद का राजा मुहम्मद खान बंगस ओरछा को घेर के बैठा हुआ था। महाराज छत्रसाल बुंदेला अपने किले के अंदर से राज्य की रक्षा कर रहे थे, पर अब रक्षा करनी संभव नहीं थी। अफगानों की सेना बहुत ज्यादा थी, बंगस चारों तरफ फैले हुए थे, और मस्तानी पेशवा बाजीराव से सहायता मांगती है। पेशवा बाजीराव पुनः अपने सेनापति को बुलाकर कहते हैं कि सेनापति, इस सेना को कहिए कि सतारा की तरफ कूच नहीं किया जाए, हम ओरछा चलेंगे। सेनापति ने कहा कि जब महाराज छत्रपति साहू को पता चलेगा कि हम उनसे मिलने सतारा नहीं जाकर ओरछा की तरफ जा रहे हैं, तो छत्रपति दंड देंगे। पेशवा हंसकर कहता है कि नहीं सेनापति, जब महाराज छत्रपति साहू ये सुनेंगे कि एक हिंदू दूसरे हिंदू की रक्षा करने के लिए गया है, तो बेहद खुश होंगे। हमें हिंदू पद पद सही स्थापित करनी है। बाजीराव अपने तेज गति से ओरछा की तरफ जाता है। फिर एक सीन है, रथ के ऊपर बैठा हुआ मोहम्मद खान बंगस कहता है कि किले से आक्रमण बंद हो गया है, मुझे लगता है किले में सब कुछ समाप्त हो गया होगा, क्यों ना आप किले पर आक्रमण कर ले। कैमरा घूमता है और घोड़े के टापों से पूरा मैदान गुंजायमान रहता है। बाजीराव अपने सैनिकों के साथ आ जाता है, मोहम्मद खान बंगस को भगा देता है वहां से, छत्रसाल को जीत दिलवाता है। छत्रसाल इस जीत के सम्मान में, इस जीत की याद में, बाजीराव के सम्मान में एक दरबार का आयोजन करते हैं, तथा बाजीराव को अपनी तरफ से चार जागीरें गिफ्ट करते हैं कि जाओ बाजीराव, मैं तुम्हें चार जागीरें गिफ्ट करता हूं, तुमने मेरी सहायता की। उन जागीरों के नाम थे कालपी, सागर, झांसी और हरिदयनगर। आप में से ज्यादातर लोग सही सोच रहे हैं, ये कालपी वही जगह है जहां पर तो चार जागीरें गिफ्ट में दी गई थी। बाजीराव ने छत्रसाल से कहा कि महाराज छत्रसाल, आपने जागीरें तो कालपी, झांसी, सागर और हरिदयनगर दे दी, पर मेरा हरिद्य रख लिया आपने, मैं मेरा हरिद्य आपकी राजधानी ओरछा में छोड़कर जा रहा हूं। छत्रसाल ने पूछा कि महाराज ऐसी कौन सी चीज रह गई आपकी, का दिल चुरा लिया तुम्हारी मस्तानी ने। छत्रसाल ने कहा कि जाओ हरिदयनगर के साथ में इस हरिद्य को भी लेते जाओ। बाजीराव मस्तानी को लेकर चला जाता है। उस मूवी में एक और बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया हुआ है। उसमें एक तरफ यह दिखाया हुआ है कि जो मस्तानी है वो छत्रसाल बुंदेला की डॉटर है, कि छत्रसाल बुंदेला की एक मुस्लिम महिला के साथ में गणिका है, वो मुस्लिम महिला उसके साथ में रहती है, और उसकी जो डॉटर होती है वो मस्तानी है, उसकी बेटी है, एक नाचने वाली महिला से पैदा हुई लड़की। और दूसरे सीन में दिखाया हुआ है कि जब छत्रसाल बुंदेला बाजीराव के सम्मान में दरबार का आयोजन करते हैं, तो बीच में छत्रसाल बुंदेला बैठे हैं, एक तरफ उनकी महारानी बैठे और एक तरफ बाजीराव बैठा, सामने मस्तानी डांस करती है। मुझे लगा कि फिल्मकार ने भारतीय संस्कृति को तार तार करके रख दिया इस सीन के अंदर। मतलब फिल्मकार ये बताना चाहता है कि भारत में पहले लोग किसी बड़े मेहमान के घर पर आने पर अपनी बेटियां नचवा दिया करते थे। लोग कहते हैं कि फिल्मों में ऐसा कुछ भी दिखाने से क्या असर पड़ जाएगा, अरे खूब पड़ता है। लोग फिल्मों से सीखते हैं कि मास्टरियम के अगले कुछ सालों बाद में कोई इस मूवी को देखकर ये सोचे कि यार पहले राजा भी और किसी दूसरे बड़े राजा के आने पर बेटी से डांस करवा रहा है, और घर पे कोई बड़ा मेहमान आए और कोई भारतीय सज्जन कहे कि भाई आज प्लीज। गलत था, या तो आप बेटी मत दिखाइए, साफ साफ दिखा दीजिए कि साहब इस प्रकार एक दासी की बेटी है वो, और या आपने बेटी दिखा दिया उसको तो डांस मत करवाइए।
दो अलग अलग चीजें हैं, एक साथ मिलाने की कोशिश मत कीजिए आप। पर भारत में लोग इतिहास जानते ही नहीं, इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारा पूरा ध्यान इस पे होता है, ठीक है डांस कर गई, इस बहाने डांस का सीन आ गया, कुछ ही दिखा देते हैं बॉलीवुड वाले। मैं हमेशा कहता हूँ बॉलीवुड वाले ऐतिहासिक मूवियों के साथ में जितनी विकृत मानसिकता के साथ पेश आते हैं उतना कोई नहीं आता होगा। इनको हिस्ट्री का कख ही नहीं आता, इनकी छठी क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। आप उस सीन को देखो तो आप सोचना दोबारा कभी उस पर, जो चार जागीरें दी गई। इन्हीं दिनों जब बाजीराव मराठा साम्राज्य को अटक से कटक तक फैलाने की बात कर रहे थे, समुद्र में एक नई शक्ति आ रखी थी। उस शक्ति का नाम था पोर्तुगीज, पुर्तगाली। उन दिनों अपने आप को लॉर्ड ऑफ ओशियन बोल रहे थे, समुद्र के स्वामी बोल रहे थे। एक दिन पुर्तगालियों ने मराठों के जहाज पकड़ लिए। पुर्तगालियों का ऐसा मानना था कि समुद्र में जो भी जाएगा वो हमको इनायत करके जाएगा, हमसे अनुमति लेके जाएगा, बिना कार्ड के कोई समुद्र में घुस नहीं सकता। मराठों के जहाज, बाजीराव के जहाज एक बार पुर्तगालियों द्वारा पकड़ लिए गए। शाम तक जहाज नहीं आए तो बाजीराव ने पूछा, कह रहे जहाज कहाँ रह गए अपने? पता लगाया तो पता चला कि सब पुर्तगालियों ने हमारे जहाज पकड़ लिया। बाजीराव ने कहा, अच्छा टकली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बाजीराव के जहाजों को कैसे हाथ लगा सकता है? पिटा उसने पुर्तगालियों को भयंकर ढंग से। पुर्तगालियों ने दो अपने बाकायदा अच्छे जगह उसको दी थी, पुर्तगालियों से दो जगह छीन लेता हूं, सालसेट और बसीन। सालसेट और बसीन छीन लिए थे उसने। बसीन तो एक प्रकार से पुर्तगालियों की राजधानी थी, दो राजधानियां काम करती थी उन दिनों में, एक तरफ गोवा और एक तरफ बसीन। पर इसने कहा ये दो, सालसेट दो और बसीन दो। तो पुर्तगालियों से दो जगह छीन लेता है। कौन कौन सी दो जगह छीन लेता है? सालसेट और बसीन। इन्हीं दिनों अरब सागर के एक द्वीप हुआ करता था जंजीरा, जंजीरा द्वीप था। और जंजीरा द्वीप पे एक जनजाति रहा करती थी, सिद्धि। ये अफ्रीकन हब्सी थे, हब्सी कहते हैं, आपको समझ आ गया? क्रिस गेल, इस टाइप के लोग थे, अफ्रीकन थे, अफ्रीका की एक जनजाति थी। और अपने यहां एक टापू पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, जंजीरा नाम के टापू पे, लूटे रहे थे पायरेट्स। और जब पुर्तगाली कहते हैं ना कि हम अरमाडा के अंदर भेजेंगे, बिना काफिले के जहाज को नहीं जाने देंगे, तो पुर्तगाली वास्तव में इन सिद्धियों से डर रहे होते हैं कि अरे सिद्धि जहाजों की लूटपाट कर लिया करते थे। एक बार सिद्धियों के बुरे दिन आए, सिद्धियों ने बाजीराव के जहाज पकड़ लिए, लूट मार कर ली। पकड़े क्या, जहाज उधर गए थे, लूट मार कर ली, धनवन छीन लिया, सामान वान छीन लिया। मराठे आए, उन्होंने कहा कि यार ये टापू है बीच में, बड़ा हब्सी रहते हैं वहां पे, और हमसे वो छीन लिए। बाजीराव गया, उसने इन हब्सियों को पिटा भयंकर वाला। इन्होंने तो मतलब नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगी थी कि धूड़ खाई, आइंदा से नहीं खाए, तेरी कड़ी गाय हम, मुंह में तिनका लेके माफिया मांगी थी, क्या आइंदा से कोई गलती नहीं करेंगे हम। इसने कहा ठीक है छोड़ दी जाए, ये सिद्धि है ना, बाद में अब अपने इंडिया के अंदर ही रहते हैं ना, अब कुछ गुजरात के अंदर है, कुछ महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग उधर कर्नाटका के अंदर भी ये लोग रहते हैं, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है भाई। पर जहां थोड़ी बहुत जो स्मृतियां मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसके हिसाब से ये है कि एक कोई महिला, मतलब दादी वाले पक्ष या नानी वाले पक्ष से, किधर से मुझे पता नहीं, पर हार्दिक पंड्या के परिवार में एक महिला इन सिद्धियों से थी, या दादी वाले फैमिली में, या इसलिए हार्दिक पंड्या के आपके लक्षण लगते नहीं कभी, वो वेस्ट इंडीज टाइप वाला सा नहीं लगता आपको, वो जो है ना वो इन सिद्धियों के गुणसूत्र अपना असर दिखाएंगे। देखो जीन आने बिना तो नहीं रहे, तो वो जो असर दिखता है ना कहीं वो उधर वाला असर दिखता है सिद्धियों वाला, उनकी वो सिद्धियों में कोई रिश्तेदारी है। मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था, एक कोई दो तीन पीढ़ी पहले दादी या नानी से, एक वो जेनेटिक्स उधर से आ रहे हैं उसके। इन्हीं दिनों में एक बार मराठों की सेना यूपी की तरफ गई हुई थी, और अवध का नवाब हुआ करता था सआदत खान, और सआदत खान मराठों की कोई छोटी मोटी टुकड़ी थी, उस टुकड़ी को हरा देता है। हरा क्या देता है? सआदत खान लड़ने के लिए आए तो मराठे लड़े नहीं, पीछे आ गए थे। सआदत खान ने ये लेटर भेजा मोहम्मद शाह रंगीला के पास, और मोहम्मद शाह रंगीला को भेजा कि मराठे तो कुछ है ही नहीं, और मराठों को तो मैंने यूं हराया यूं। मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा चौड़ा हुआ दरबार में, और मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा मेरे एक सेनापति ने और मराठों को हरा कर भगा दिया। बाजीराव को बहुत गुस्सा आया, बाजीराव ने कहा गलत कर रहे हो तुम,
हम हार के नहीं आए थे, सेना पीछे लौट आई थी, लड़ना उचित नहीं समझा सेना ने, आप सामने ज्यादा थे, ये बहुत मुट्ठी भर सैनिक थे यार, 500-700 थे, तू 50,000 सामने लेके आ गया था, सेना लौट आई थी, पर ना बराबरी के मुकाबले क्या होते तुम जानते नहीं। अरे तो सेनापति आया था, इस बार मैं खुद आऊंगा और मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली आऊंगा, 1737 में दिल्ली पर रेड मारता हूं। अपने मात्र 500 सैनिकों के साथ मथुरा वाले इलाके से, मेव वाले इलाके से बहुत तेज गति से दिल्ली के बाहर पहुंचता है। मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के भाग गया था जब उसे पता चला कि बाजीराव आया हुआ है। 3 दिन तक मोहम्मद शाह रंगीला की हिम्मत नहीं हुई कि दिल्ली आ जाए, और बाजीराव कितना कूल बंदा रहा होगा कि दिल्ली घुसा ही नहीं, दिल्ली के बाहर शिकार खेले 3 दिन और लौट के आ गया। पर बाजीराव के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य के खोखलेपन को उजागर करके रख दिया था। अब समझ में आ गया था कि मुगल बादशाह मराठों के सामने कुछ भी नहीं है, केवल 500 मराठे जाके मुगल बादशाह को आतंकित कर सकते हैं, टेराइज्ड कर सकते हैं उसको। मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली से जब भाग जाता है, 3 दिन बाद बाजीराव जब पुनः लौटता है, मोहम्मद शाह रंगीला स्थितियां सामान्य भी, तो ये जो ये बंदा है आपके चिंकलीज खान, इसने मोहम्मद शाह रंगीला कहा कि बादशाह ऐसे कैसे भाग गया, और मैं जाऊंगा तुम्हारी तरफ से, मैं लड़ूंगा, मराठों की कितनी को कहा था कि हमसे लड़ ले, और एक बार फिर मुगलों ने चैलेंज कर दिया कि ले आ जाओ मराठों, जितने आने उतने आ जाओ, हम लड़ेंगे। बाजीराव रास्ते में था, बाजीराव को समाचार मिले कि चिंकलीज खान मुझसे लड़ने के लिए आ रहा, उसने कहा वो चिंकलीज खान जिसको मैंने 1728 में पालखेड़ा युद्ध में भगा भगा के मारा था, मुंगी शिवगांव वाली संधि में ना कर गड़वाई थी, वो लड़ेगा मेरे से, वो बाजीराव से लड़ेगा। उसने नीचे से मराठों को मैसेज किया उधर से महाराष्ट्र से कि और महाराष्ट्र से एक बड़ी सेना लेकर आओ, देखते हैं इनसे कैसे क्या लड़ते हैं। भोपाल का युद्ध होता है 1737 में, मुगल सेना को करारी हार देता है वो। अब और सुनो देखो बात, कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला ने एक बार कहा, जब उसने बाजीराव की इतनी बातें सुनी तो उसने कहा बाजीराव कैसे दिखता है बताओ तो सही। तो एक चित्रकार ने बाजीराव का फोटो बनाया। फोटो क्या है? फोटो यह है कि बैकग्राउंड में एक सीन है कि सूरज भगवान ढल रहे हैं, एक युद्ध समाप्त हुआ है, सूर्य अस्त हो रहा है इसलिए युद्ध समाप्त कर दिया गया है, घायलों को उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं, यह तो बैकग्राउंड का सीन है। मेन पोज यह है कि युद्ध से बाहर निकल रहा है बाजीराव घोड़े पर, बाजीराव घोड़े पर बैठा हुआ युद्ध से बाहर निकल रहा है, जैसे इसी युद्ध में उसने भाग लिया था, श्याम हो गई, युद्ध का सूर्यास्त हो गया, युद्ध बंद कर दिया गया है, घायलों को उठाकर लेके जा रहे हैं, सेनापति बाहर निकल रहा है, थक गया बाजीराव, इसलिए जो रस्सी है लगाम है घोड़े की उसने ढीली छोड़ रखी है, अपने दोनों पैरों के बीच में दबा रखी है उसने, उसकी तलवार यहां पर लटकी हुई है, उसके उसके एक हाथ में गेहूं के कुछ दाने हैं और दूसरे हाथ से वो गेहूं के दाने मसल रहा है, मतलब घोड़े को उसने खाली खुला छोड़ रखा है, दोनों हाथ उसके एक हाथ में गेहूं के दाने, दूसरे हाथ में गेहूं के दानों को मसल रहा है, यहां तलवार लटका रखी है उसने, रस्सी जो है वो थोड़ी हुई ढीली रस्सी है, घोड़ा मंथर कदमों से चल रहा है, बाजीराव खुद थका हुआ सा लग रहा है। कहने का मतलब यह है कि बाजीराव ने पूरे दिन युद्ध लड़ा था इसलिए थक गया, और जब वो युद्ध लड़ रहा था तो उसे इतनी होश भी नहीं था कि रोटी भी खानी है अपने को, इसलिए अब युद्ध से बाहर निकला तो उसे भूख महसूस होती है, इसलिए थकान है, पर अब रोटी कहाँ खाए, तो उसकी जेब में कुछ गेहूं के दाने हैं, वो घोड़े पर बैठा बैठा मसल के उनको खा रहा है। ये वो दुर्गादास जी वाली तरह, या तो दुर्गादास जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने घोड़े पर अपनी जिंदगी बिता दी थी, युद्ध ही करते रहे थे, घोड़े से नीचे उतर के रोटियां खाने का भी टाइम नहीं मिला था डोकरे को, कि 8 पहर 24 घड़ीन गुड़ला ऊपर बास, सेल अनिशु सेक तोन बाटी दुर्गादास, कि 8 पहर 24 घड़ियां घोड़े पर ही वास किया था, भाले की नोक से इस दुर्गादास ने घोड़ियां अपनी रोटियां सेक ली थी, या उसी प्रकार बाजीराव बल्लाल था, घोड़े के ऊपर ही उसने गेहूं के दाने खा लिए होंगे, युद्ध युद्ध और युद्ध के अलावा बाजीराव कुछ भी नहीं जानता था। कहते हैं कि जब ये चित्र मोहम्मद शाह रंगीला के सामने रखा गया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने देखा और देखे कहा साइड में ले जाओ, डर लगता है मुझे इससे, उसके चित्र से डरा करता था मुगल बादशाह। ओ मूवी में बापड़ी की क्या दुर्गति की है उसकी, कभी सदबुद्धि आए बॉलीवुड को वो श्रद्धांजलि देगी वास्तव में बाजीराव बल्लाल को, बनाएगी बहुत अच्छी मूवी जिसमें दिखाया जाएगा कि बाजीराव बल्लाल क्या डील का डाकी टाइप का आदमी था, कि भारत का मुगल बादशाह उसके डर से भाग जाया करता था, और रणबीर सिंह जैसे यूं बीच के से आइटम को हीरो नहीं लिया जाएगा,
किसी भल्लाल देव टाइप के को लिया जाएगा ताकि चले तो भी गर्दन देख के भी लगे कि बाजीराव आ रहा है। ये बाजीराव था भाई, भारतीय इतिहास का अप्रतिम महान योद्धा। केवल 40 वर्ष की उम्र में युद्धों में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। उसके कुछ काम हमने पढ़े थे कि उसने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था।